नमस्कार, लद्दाख मेजर्स न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ सलोनी राजपूत। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं और लखनऊ की ऐसी तस्वीर जो बदलती नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प की यात्रा जो है वो लगातार चलती जा रही है और वहीं आज लखनऊ में भी इसी प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने आए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की। जिस तरह से आपको बता दें कि लोगों को अलग अलग जगहों पर जाकर इस योजना के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसने इस सरकार ने क्या कुछ किया है, कितना कुछ बदलाव आया है और कितने गरीब लोगों के जो हैं वो घर बिजली आई है, सिलेंडर आए हैं और अलग अलग योजनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। लेकर चलते हैं आपको अलग अलग जो जिन्होंने लगाए हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे अपने अपने पोस्टर जो लगाए हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाना चाहेंगे। मोदी सरकार की गारंटी। जी हाँ, मोदी सरकार की गारंटी है कि हम गरीब लोगों के घर के चूल्हे जो हैं वो हटाकर गैस सिलेंडर वहां पर लेकर आएंगे और बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये सरकार कहती है वो करती भी है। आगे लेकर आइएगा, सबसे पहले आपको बता दें, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है, मैं डूडा से हूं और हमारा ये स्टॉल है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए का लोन मिलता है, जिसके माध्यम से अपने बिजनेस को दोबारा से बढ़ा सकते हैं। अगर किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है तो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। मतलब आप जो है आप फाइनेंशियली किसी की मदद कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो कितने से लेकर कहाँ तक? तो ये गवर्नमेंट जो जल ज्ञान यात्रा चला रही है, इसके माध्यम से लोगों को हर ग्राम पंचायत में जा जाकर हम लोग जागरूक करते हैं कि पानी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि पानी को संरक्षित करने के लिए इस तरीके से बता रहे हैं और बीमारी ना हो, जैसे दूषित पानी है तो उसे कैसे शुद्धिकरण करें। बात करूंगी कि सबसे पहले ये दिखाइए कि है क्या चीज। मैम सबसे पहले आप बताइए नाम आपका। नीरज श्रीवास्तव जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो आपने जो पोस्टर्स ये रखे हुए हैं, बुक्स रखी हुई है, ये किस चीज़ को दर्शाती है? बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, क्या करना है, बच्चों को क्या हम लोग टीएम के द्वारा क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं, ये सब हम लोग ऐसे ही बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं टीएम के द्वारा। ये आप पोस्टर्स लगाते हैं और फिर बच्चे पहचान करते हैं? जी जी जी। कौन सी क्लासेस से लेके किस क्लास तक आप? 1 से लेके 5 तक। हाँ मैम, मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे अंडर में 24 वर्कर्स होती हैं, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, और हमारा विभाग स्पेशली 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को लाभ देता है और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को भी लाभ देता है, उनकी केयर्स में। आपका? जी मैं श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी क्लासेस से लेके कौन सी क्लास तक कौन से बच्चों को आप जो है ये मील्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं? जी मेरे यहाँ 3 से 6 साल तक के बच्चों का जो है पढ़ने आते हैं स्कूल में, तो उनको पढ़ाते भी हैं और उनको रेसिपी भी बना के खिलाते हैं। और ये ICDS से भी आता है, बाल विकास परियोजना से आता है ये सामान, इसको किस तरह बना के खिलाया था वो सब बना के उनको बताते हैं और खिलाते भी हैं। बनाने के लिए अलग रखी सहायिका है? हाँ सहायिका है, वो जी हाँ वो बनाती है। ड्राई फ्रूट्स के साथ और भी सारी मील्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई और वेजिटेबल्स हो गई और जो भी हमें हरी साग सब्जी में जो उनके भी सेहत के लिए अच्छा होता है वो सब हम डाल के उनको नमकीन दलिया, मीठी दलिया वगैरह सब बना के खिलाते हैं। बताइए। उमेश कुमार खरे, राम विजय गैस सर्विस। तो आप किसको लेकर यहाँ पर आए सर? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आए हैं, हमारे कस्टमर ये लाभार्थी अंदर तक मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी के बारे में बता रहे हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया? जी जी फिल कर, मिल गया मुझे सब सिलेंडर मिल गया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। को लेकर तो वही अपडेट जो है बार बार उनको बोला जा रहा है, तो बात करते हैं इनसे। सबसे पहले नाम जानेंगे सर आपका। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड बने हैं या नहीं बने हैं? ऐसे लोग अभी तक हैं जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने? हाँ बहुत लोग ऐसे हैं, 18 प्लस भी हैं, लेकिन उसका प्रोसेस ही होता है कि 18 प्लस जो है यहाँ पे नहीं बनता, उसके लिए इनको ऑफिस में ही आना होगा। क्योंकि कैंपस की बात कर रही थी तो अलग अलग यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोगों को जो है वो दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो उधर आके अपना चेकअप करवाए और बाकी जाके फिर वो डॉक्टर को जाके दिखाए और वहीं पर जाके उनका इलाज हो। इस बारे में आप बताइए, कोई कैंप शैम्प लगाया आपने? जैसे मैम इसमें हम लोग ये सुविधा देते हैं कि जैसे मतलब फर्स्ट टाइम तो वो हॉस्पिटल से आया तो उसके मेडिसिन स्टार्ट हो गई, देन उसके एरिया में हम लोग आशा बहुएँ होती हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनका डिब्बा वहाँ पे रखवा देते हैं और उसको प्रॉपरली दवा वहाँ से आशा वर्कर्स के जरिए आप वहाँ पर पहुँचाते हैं लोग, राइट? राशन कार्ड को लेकर आप है ना। अब राशन कार्ड की बात लगी है, आपको बता दें कि इस समय
हम उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। जी हाँ, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अभी तक इनको कितनी स्कीम जो है वो मिली है और कौन कौन सी योजना जो है इनके सामने आई है। बात करते हैं सर, नाम बताइए। धीरज कुमार। आपको ये इतनी जितनी भी योजनाएं हैं ये इन सभी के बारे में पता है? जी मैम। और क्या अभी तक आपको प्रोवाइड हुआ है? मेरे को पीएम स्वनिधि में लोन मिला है, पहला 10,000 का है, दूसरा 20,000 का है, थर्ड मेरा 50,000 का। कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ के। लोकल यहीं के रहने वाले? अपना घर है? जी मैम। पक्का है? यस। तो अभी जो है आपको कौन सी स्कीम मिली हुई है? मुझे उज्ज्वला योजना भी मिला है, पीएम स्वनिधि का भी मिला है, पटरी दुकानदार है हम। जी मैम। सारी स्कीमें आपको? जी मैम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। प्रधान, इससे पहला ऐसा हुआ? जी मैम, नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। ये है सरकार जिसने इनके चेहरों पे खुशियां लाई हैं, देख सकते हैं आप। पहले इससे कुछ भी नहीं था, इनकी खुद मुंह जुबानी है, पहले इससे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है जब से ये सरकार आई है तब से इनको जो है अपने पक्के मकान और हर एक योजनाएं जो मिल रही हैं, तो बहुत खुश हूं। जी मैम, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तो इसके साथ इनसे भी बात करना चाहेंगे, ठीक है? जी मैम। नाम बताइए। मेरा नाम राजू मौर्य है। थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। जी राजू मौर्य। मौर्य कहाँ से रहने वाले? जी हम आलम नगर के रहने वाले हैं, लखनऊ। स्कीमों के बारे में पता चला? किसी योजनाएं जो मिली हैं? जी जी जी। कौन कौन सी योजनाओं को? हमको पीएम स्वनिधि का लाभार्थी हूँ मैं। जी जी। तो आपको जो इस योजनाएं के बारे में जानकर अच्छा लगा? जी बिल्कुल अच्छा। इससे पहले ऐसा था? नहीं, इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। खुश हो सर? बिल्कुल खुश है। क्या चाहते हो, क्या मांगे आपकी कि सरकार रहनी चाहिए? जी सरकार रहनी चाहिए और सरकार जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है। हाँ। लोगों के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है और यही इनकी मुंह जुबानी है और लोगों की खुशी आप इनके चेहरों से देख सकते हैं। तो इनकी मांग है कि यह सरकार रहनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की ओर और सबसे पहले आप बताइए कि नाम सर? मनोज चौरसिया। कहाँ से हो? जी यही लखनऊ से हूँ। लखनऊ लोकल हो? कौन सी स्कीम के, कौन सी योजनाओं के साथ? मैं स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मैंने पहले 10,000 का लोन लिया था, मैंने उसको कंप्लीट किया, फिर मुझे 20,000 का लोन प्राप्त हुआ है जो कि अभी चल रहा है, मैं इसके बाद 50,000 का भी लोन लूँगा। ये आपको मकान के लिए? मकान के लिए नहीं। मकान है आपका अपना? जी मकान मेरा अपना नहीं है, मुझे आवास योजना का भी लाभ मिला है। वाओ, दैट्स ग्रेट ग्रेट। तो अभी आपने क्या सोचा है कि आगे जो है इस लोन को खत्म करके नेक्स्ट लोन लेना? जी हाँ, ये इस लोन को खत्म करके मैं नेक्स्ट लोन लूंगा जिससे कि मैं थोड़ा अपना काम को और आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या चाहते हो सरकार? मैं ये चाहता हूँ कि मोदी हर बार आए, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा, मगर जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है इन्होंने गरीबों के लिए बहुत सी अच्छी योजनाएं लाए हैं, जो और हम यही चाहेंगे कि हमेशा मोदी जी ही उस कुर्सी पर रहें। देख सकते हैं आप इनके चेहरे खुशी से कि इनका कहना है कि मोदी जी ही इसी कुर्सी पर विराजमान रहे ताकि हमारा जो है जीवन सही से गुजरे। और आपसे भी जानेंगे सर, नाम बताइए। जी मेरा नाम अजय तिवारी। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेरोजगार। बेरोजगार, तो योजनाओं के बारे में पता चला? हाँ योजनाएं मुझे मालूम है लेकिन अभी तक मैंने लोन वगैरह नहीं लिया है। अभी नहीं लिया है ना, तो क्या सोचा लेना है आगे? हाँ लोन लेना है। योजनाओं का पूरा फायदा लीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है और आप ही लोगों के लिए बारे में सोचा जा रहा है। इतनी मेहनत जो है आप ही के लिए करें, योजनाओं की पूरी स्कीम जो है बोल लीजिए, बेनिफिट जो है बोल लीजिए। हम लोग विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रखे हैं। विश्वकर्मा योजना 1,00,000 तक लोन है। 1,00,000? 1,00,000 तक। तो घर पे फैमिली का क्या है बैकग्राउंड? फैमिली ठीक ठाक है। बच्चे बेबी सभी हैं? हाँ सब। तो उनका पालन कैसे करते हो? इसका पालन वो वाइफ मेरी टीचर है। टीचर है? दैट्स ग्रेट ग्रेट। ओह तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। तो ये है चेहरे वो जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, हमारे योगी सर पीएम मोदी जी लगातार इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं और योजनाएं जो नई नई लेके आ रहे हैं। ये है ये चेहरे, इनका एक ही नारा है कि जब तक मोदी जी है तब तक हम खुश हैं और इससे पहले इनका ऐसा कोई भी हाल नहीं था। इनसे बात इनकी मुंह जुबानी है कि इससे पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन आज इनके चेहरों पर खुशी इसी वजह से है जब तक मोदी जी अपनी कुर्सी पर विराज
विराजमान है तो इनके चेहरे खिले रहेंगे। तो ये है चेहरे और ये है अपडेट, आपकी लखनऊ से बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं। इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो जो है, पूरा अपडेट जो है, आप तक जरूर साझा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।